हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। वीकेंड स्पेशल मैथ्स का एक और चैप्टर जो हम लोग का चल रहा था, नंबर सिस्टम, उसका पार्ट टू लेकर। तो आज के पार्ट में पिछले टर्न पे जो हम लोग ने पढ़ा था उसमें हम लोग ने बेसिक चीजें पढ़ ली थी, समझ ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे आगे उसके जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो पहले टाइप का होता है वो होता है डिविजिबिलिटी। तो आज हम क्लियर करेंगे डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो चलिए, अगर पिछला वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके पहला वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिविजिबिलिटी पे। तो डिविजिबिलिटी हमारी जनरली क्या होती है, किसी भी नंबर से विभाज्यता होती है हमारी, हिंदी में बोले तो विभाज्यता। तो कौन कौन सी डिविजिबिलिटी होती है, कहां कहां तक की होती है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर वन है हमारे पास डिविजिबिलिटी ऑफ टू। तो टू की डिविजिबिलिटी क्या होती है, आप सभी को पता होगा कि इवन नंबर होता है हमारा, यूनिट प्लेस अगर इवन नंबर है तो वो हमारा क्या होगा, डिविजिबल ऑफ टू। तो हम लोग लिख देते हैं यूनिट प्लेस इज इवन, और ब्रैकेट में लिख देते हैं 0, 2, 4, 6, 8। तो अगर इतना है यूनिट प्लेस हमारा 0, 2, 4, 6, 8, तो वो हमारा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग रखते हैं यहां पर कि अगर लिखा हुआ है 2, 3, 4, 6, 8, 3, 2, 7, 9, 1, 0, 2, 4, 6, 0, अगर इस तरह से कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल तौर पर बताया, तो हमने को सिर्फ क्या करना है, सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करना है इसका, 8, 1, 0, ठीक है। अब ए देखिए क्या इस ग्रुप में है, बिल्कुल इस ग्रुप में है, तो ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा 2 से। ये 1 ग्रुप में नहीं है, ये हो गया ऑड, तो ये खत्म हो गया। ये हो गया इवन, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब समझ गए होंगे कि डिविजिबल ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होती है और कौन कौन से नंबर हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 3। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 3। इंग्लिश में थोड़ा हो सकता है आप सभी को नहीं समझ में आए, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा दूंगा, बाकी आप अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिए, मैं बोल भी रहा हूं वो। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स का मतलब होता है कि ये नंबर हमारा लिखा हुआ है, एग्जांपल के तौर पर बोलता हूं कि 2, 3, 4, 6, 8, ये वाला मैंने उठा लिया, 3, 2, 7, 9, 9, अगर ये लिखे हुए हैं क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। तो इनमें हम देखेंगे कि कौन कौन से मल्टीपल ऑफ, बोला गया सम ऑफ ऑल डिजिट्स, पहले इतना करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स का मतलब है कि इनको सम करते हैं आपस में। तो इनको अगर आप सम करेंगे तो 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15 और 8 कितना हो गया, 23। तो 23 इसका आया। अब बताइए जो 23 आया है, क्या ये मल्टीपल 3 का मल्टीपल होता है, 3 की टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 23 तो नहीं आता है, नहीं आता है, 3 से कटता है, नहीं कटता है, यानी कि ये नंबर जो होगी ये हमारी होगी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं 3, 2, 5, 7, 5, 12, 12 और 9, 21 और 3, 24, इसका टोटल आया 24। तो क्या ये 3 का मल्टीपल है, 3 के पहाड़े में आता है, 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, यानी कि ये नंबर जो होगी 3, 2, 7, 9, 3, ये हमारी क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको करते हैं 4, 2, 6, 6, 12, 6, 18 और 18 और 0, कुछ नहीं 18 हो गया, तो ये 18 आ गया इसका टोटल। तो क्या ये 18 3 से, 3 का मल्टीपल होता है, बिल्कुल होता है, तो ये नंबर हमारी 3 से क्या होगी, डिविजिबल होगी, ठीक है। तो आई होप इतना आप सब समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग करते हैं आगे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी ऑफ 4। अब 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है वो हम लोग देख लेते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4। नहीं समझे, लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4। चलिए
क्वेश्चन लिखते हैं 62439 कॉमा 42624 कॉमा 24628 कॉमा 3279 26 थोड़ा सा बढ़ा लिया हम लोगों ने। तो अब ट्राई करते हैं, तो हम लोग इस पे क्या देखेंगे, क्या पूरा इवन प्लेस देखेंगे, सॉरी लास्ट का यूनिट प्लेस देखेंगे, नहीं देखेंगे, तो सबका सम करेंगे, नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे क्या लास्ट के दो डिजिट, बोला गया लास्ट टू डिजिट, तो 339 24 28 और 26 इनको हम देखेंगे, बाकी चाहे इधर बड़ा कितना भी बड़ा नंबर हो हमको उससे मतलब नहीं होगा। तो क्या देखेंगे, 39 हमारा 4 से डिविजिबल होता है, यानी 4 का मल्टीपल होता है, 4 के पहाड़े में आता है तो नहीं आता है, तो यानी कि कैंसिल हो गया। 24 आता है, बिल्कुल आता है, 28 आता है, बिल्कुल आता है, 26 आता है, नहीं आता, तो यानी कि ये नंबर हमारी 4 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 4। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं क्वेश्चन, आगे पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5। वीडियो पसंद आना तो विश करें वीडियो को लाइक, साथ साथ करते जाइएगा। चलिए करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 5। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या कहती है, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 हमारी कहती है कि लास्ट यानी कि यूनिट प्लेस इज 0 और 5, 0 या 5, इनमें से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट प्लेस अगर 0 होगा और 5 होगा तभी वो नंबर जो होगी हमारी वो डिविजिबल होगी 5 से। कैसे, चलिए देखते हैं, 23791 कॉमा 23246285 कॉमा 32020204625। अब बताइए इतनी बड़ी बड़ी नंबर हम लोग लिख ली, लेकिन हम लोग क्या पूरी नंबर देखेंगे, हम लोग 2 वाले में क्या कर रहे थे, 3 वाले में क्या कर रहे थे, 4 वाले में क्या कर रहे, उससे मतलब नहीं, हम लोग 5 वाले में क्या करेंगे, सिर्फ 0 और 5 देखेंगे। तो 1 देखिए, 5 देखिए, 0 देखिए, 5 देखिए, 5 देखा तो ये हो गया, 0 देखा तो ये हो गया, 5 ये हो गया और ये नहीं हुआ। ठीक, तो आई होप आप इतना सब सब कुछ समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या कहती है, नंबर इज नंबर आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3। Also divisible by 6। तो 6 की हमारी डिविजिबिलिटी क्या कहती है, इसमें इनको थोड़ा सा डाल दीजिएगा। चलिए अब हम लोग कर रहे हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी हमारी क्या कहती है कि जो नंबर हमारे पास लिखा होगा, चलिए मैं थोड़ा नंबर लिख देता हूं यहां पर, 236294 आगे पढ़ते हैं, 4 6 2 8 4 1 2 3 2 6 4। चलिए चार नंबर लिखे हुए हैं। तो बोला गया है कि नंबर अगर डिविजिबल होगा 2 से और 3 से तो वो ऑल्सो डिविजिबल हो जाएगा 6 से, यानी कि 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए तभी वो जाके 6 से डिवाइड होगा। तो 2 की डिविजिबिलिटी आप लोग पढ़ चुके हैं कि यूनिट प्लेस हम लोग चेक करेंगे, इवन होना चाहिए, तो यूनिट प्लेस हम लोग चेक कर लेते हैं, जो इवन होगा तो हमारा आंसर होगा, फिर आगे 3 का चेक करेंगे। तो देख लीजिए पहले हम लोग को 2 तो खत्म हो गया यहाँ पर, ये 1 लिख गया, ये 2 लिख गया, ये 4 लिख गया, ये 1 लिख गया, तो ये 1 वाले तो खत्म हो गए क्योंकि ये 2 से ही डिविजिबल नहीं है, तो 3 से हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए 2 से चेक हो गया, 2 से ये दोनों है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं इसको, 3 2 5 11 11 9 20 और 2 22
22 का 3 का मल्टीपल होता है, 3 के पार्टिकल में आता है, नहीं आता है, तो ये हमारा आंसर इसका नहीं होगा। अगेन इसको देखते हैं, 4, 4, 8, 5, 13, 13 और 6, 19 और 2, 21 और 3, 24 हमारा 3 का मल्टीपल होता है, बिल्कुल होता है, 2 से ऑलरेडी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो ये 6 से डिविजिबल होगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसमें डालिए आप लोग इंक थोड़ी सी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, डिविजिबिलिटी ऑफ 7। तो 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, चलिए उसको लिख लेते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी टिपिकल होती है, तो आई थिंक आप लोग को समझ जाए आप लोग तो ठीक है, नहीं तो आप लोग 7 से डिवाइड करके आप लोग सीधे सीधे चेक कर सकते हैं, थोड़ी सी टिपिकल होती है। इसके लिए करना क्या होता है कि लास्ट की नंबर, लास्ट डिजिट का मल्टीपल इनटू 2 सबट्रैक्ट रिमेनिंग नंबर। मैंने पहले ही आपसे बोला था कि ये थोड़ी सी टिपिकल होती है, ध्यान से समझिएगा, मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा। नंबर का लास्ट डिजिट, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देते हैं 343 का, तो 343 आप सबको पता होगा कि 7 का क्यूब होता है, तो इसको चेक कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं, बोला गया है नंबर का लास्ट डिजिट, नंबर का लास्ट डिजिट क्या होता है, नंबर लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, तो 3 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 × 2 बोला गया, तो 3 × 2 कर लेते हैं तो हो जाता है 6, और उसके बाद बोला गया सबट्रैक्ट रिमेनिंग नंबर, यानी रिमेनिंग नंबर हमारी कितनी है 34 है, रिमेनिंग नंबर कितनी है 34, और इसका 3 का डबल 6, इसको माइनस कर लिए बचा कितना 28। आप बताइए 28 जो है वो 7 के टेबल में आता है, 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है हमारे 343 ये भी 7 की डिविजिबल होगी। तो आई थिंक आप सबको इतना सब चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, सेवन तक की डिविजिबिलिटी हो चुकी है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 8। अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, जैसे हम लोग ने 4 वाली पढ़ी थी बस सिमिलर है, तो लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8। लास्ट 3 डिजिट बोला गया है डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए, कैसे, चलिए क्वेश्चन से करते हैं समझने की। लास्ट 3 डिजिट यानी कि अगर हम कोई क्वेश्चन लेते हैं 2, 3, 4, 6, 8, ये 3 क्वेश्चन लिखे हुए हमारे पास, तो 2, 3, 4, 6, 4 पहला क्वेश्चन हमारे पास, तो इसमें हम क्या बोलेंगे लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे, तो यानी कि 464, 469 और 468 हम लोग डिजिट चेक कर लेते हैं। तो चलिए 464 हमारा डिविजिबल होता है, तो बिल्कुल होता है भाई 8 से, देख लीजिए 8 के टेबल पढ़ के, तो ये होगा 69 हमारा, क्योंकि 8 × 8 = 64 होता है, तो यानी कि हमारा नहीं होता है, 69 बच जाएगा, तो यानी कि ये कैंसिल हो गया और 68 भी नहीं होता है 8 से डिविजिबल, जो होता है 4 से डिविजिबल हो जाएगा बट 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यानी पहला वाला नंबर हमारा हो जाएगा 8 से डिविजिबल। चलिए अब आगे करते हैं, हम लोग का अगला है डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 की डिविजिबिलिटी क्या बोला गया, जैसे कि 3 की थी वैसी सेम टू सेम होती है,
तो बोला गया डिजिट सम डिजिट सम ऑल डिजिट्स आर सम तो ऑल डिजिट्स सम मल्टीपल बाय 9। ठीक है, तो 9 की मल्टीपल के मतलब क्या है वो हम लोग एक बार जान लेते हैं। ऑल डिजिट्स आर सम, ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन 1 2 3 4 6 8 2 3 4 6 9 2 4 2 7 1 8। क्या बोला गया, जिस लोग 3 में सबका मल्टीपल सबको ऐड कर रहे थे तो बस वैसे ही करना है इसको, तो इसको ऐड कर लीजिए 6 4 10 16 8 24 24 के हमारा 9 से कटता है, 9 से डिवाइड होता है नहीं होता है, यानी कि ये हमारा जो होगा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे इसको करते हैं तो 9 2 11 6 17 17 4 21 और 3 24, तो 9 से कटता है नहीं कटता, ये भी खत्म हो गया। 4 6 7 6 13 14 14 8 22 ये भी नहीं कटता है, तो थोड़ा एक क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा जो डिविजिबल होता है। तो 7 2 9 4 चलिए, तो ये क्वेश्चन अगर लिखा हुआ 7 2 9 4 5 तो इसको ऐड करिए, तो 7 2 9 9 18 4 22 5 27 9 का मल्टीपल होता है तो बिल्कुल होता है, तो यानी कि ये हमारा 9 से कट जाएगा। 9 वाले और 3 वाले में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो 9 से कटती है संख्याएं, यानी कि 9 से जो संख्या डिवाइड होती है वो ऑटोमेटिक 3 से भी डिवाइड होती होगी, बट 3 से जो नंबर डिविजिबल होती है वो जरूरी नहीं कि 9 से कटती हो, यानी कि 9 से डिवाइड होती हो, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। 9 से कटने वाली ऑलरेडी 3 से कटती होती है, लेकिन 3 से कटने वाली 9 से नहीं कटती। एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, 12 हमारी नंबर 3 से कट जाती है, ठीक है, लेकिन 9 से नहीं कटती है। उसके अलावा हो गई नंबर, और हम लोग उससे देखें तो 27 एक नंबर होती है जो 9 से भी कट जाती है और 3 से भी कट जाती है, 9 से डिविजिबल होती है 3 से डिविजिबल होती है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे 10 की डिविजिबिलिटी बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि लास्ट में 0 होना चाहिए। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं 11 की डिविजिबिलिटी है, तो 11 की डिविजिबिलिटी हमारी क्या कहती है, इवन प्लेस सम आर इक्वल देन ऑड प्लेस सम। चलिए 4 क्वेश्चन है, इनको हम लोग करके देख लेते हैं। तो बोला क्या गया है, इवन प्लेस का सम अगर इक्वल होना चाहिए ऑड प्लेसेस के सम से। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो 5 नंबर लिखे हुए हैं 7 2 1 8 2 ये 5 प्लेसेस पे लिखे हुए होंगे, तो पहला प्लेस क्या होगा 7, दूसरा प्लेस क्या होगा 2, तीसरा प्लेस 1, चौथा प्लेस 8 और ये हो गया 2। तो इवन प्लेस का सम यानी कि 2 और 8 का जो सम होगा, जैसे कि 2 और 8 को हम लोग ऐड करें, भाई यहां पर 2 और 4 दो ही प्लेसेस इवन है तो 10 हुआ, तो क्या हम लोग ऑड प्लेसेस के सम के बराबर है, तो देखिए 7 और 1 8 और 8 और 2 10, तो यहाँ दोनों बराबर है, तो यानी ये नंबर हमारी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। अगेन आगे बढ़ते हैं और इस बार देखिए 6 नंबर लिखे हुए हैं, तो इनको ऐड करते हैं 4 और 6 10 और 10 में 0 ऐड किया तो 10 आएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 7 के साथ 1 जोड़ा 8 और 8 में 2 जोड़ा 10, अब आगे कुछ है नहीं तो 10 यहाँ भी आ गया, तो दोनों जगह सेम टू सेम आया, यानी कि ये हमारी नंबर 11 से डिविजिबल होगी। Then, आगे बढ़ते हैं 4 2 6 और 8 6 14, 14 ऊपर वाली हो गई, यानी कि ऑड प्लेसेस का सम 14 है और इवन प्लेसेस का सम सिर्फ 9 आया है, तो यानी कि ये नंबर हमारी इक्वल नहीं आया सम, तो ये हमारी नंबर डिविजिबल नहीं होगी 11 से। तो ये हो गया 4 2 6 और 5 11 7 3 10, ये भी नहीं होगी डिविजिबल,
ठीक है। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, डिविजिबिलिटी आज हमने आज खत्म किया डिविजिबिलिटी। इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, आइए हम आगे पढ़ेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को करें लाइक, करें अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसके आगे के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।